हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे तरल यांत्रिकी के इस दूसरे वीडियो में पास्कल के नियम क्या होते हैं, दाब के नियम क्या थे और पास्कल के दाब के नियम की व्युत्पत्ति भी हम देखेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखने वाले हैं दाब के क्या क्या नियम होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो द्रव दाब होता है वो पी बराबर होता है रो जी एच, मतलब घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई जो होती है, जितनी गहराई होती है द्रव से किसी पिंड की, मतलब ये पिंड अगर डूबा हुआ तो ये कितनी गहराई पर डूबा हुआ है उसकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो द्रव दाब होता है वो P बराबर रो जी एच होता है। इस आधार पर द्रव के जो दाब के नियम दिए गए वो क्या क्या थे उनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो सबसे पहले द्रव दाब का जो नियम था वो ये था कि द्रव के भीतर क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर दाब जो होता है वो समान होता है। अर्थात यदि हम मान लें कि यहाँ पे कोई पिंड है जो किसी द्रव में डूबा हुआ है, यहाँ पे हमने यहाँ पे एक पिंड ले लिया और ये जो पिंड है ये द्रव के अंदर डूबा हुआ है और यहाँ पे हम कोई क्षैतिज तल ये ले लें, तो इस क्षैतिज तल पे चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इस पूरी लाइन पर द्रव का जो दाब होगा इस लेवल पर क्या होगा, क्षैतिज दिशा में समान रूप से लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो द्रव का मात्रा है वो सभी तरफ क्या होगी, बराबर होगी। तो इस बिंदु पर जो द्रव का दाब लगेगा या क्षैतिज तल लगे या लंबवत लगे, दोनों तरीके से द्रव का जो दाब होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो द्रव के भीतर क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी बिंदु पर, क्षैतिज तल के किसी भी बिंदु अगर वो समान गहराई पर हैं तो उन पर लगने वाला द्रव का जो दाब होगा वो समान होगा। ये द्रव के दाब का पहला नियम होता है। दूसरा, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में दाब बराबर होता है। कहने का मतलब ये कि इस पिंड पर अगर मैं कहूं कि ये पिंड यहाँ पे डुबो दिया गया है, तो इस पिंड पर चाहे इस तरफ से दाब होगा चाहे इस तरफ से दाब होगा चाहे इस तरफ से दाब होगा, सभी दिशाओं में से जो लगने वाला दाब होगा किसी बिंदु पर वो क्या होगा, समान होगा। ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई जो होती है वो मैटर करती है प्रेशर को। यहाँ पे एच कम होगा तो पी कम होगा, मतलब अगर मैं कहूँ कि इस पेन को मैंने यहाँ पे डुबो दिया है तो इस बिंदु पर चाहे इस दिशा से लगे चाहे इस दिशा से लगे चाहे आगे से चाहे पीछे से, किसी बिंदु पर अगर दाब लगेगा तो समान ही लगेगा। लेकिन अगर इससे थोड़ी अलग ऊंचाई पर हम बात करेंगे तो यहाँ पे द्रव का दाब जो होगा कम लगेगा, क्योंकि ऊंचाई जो ऊपर से है इसकी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो दाब होगा इस बिंदु पर क्षैतिज तल में चाहे इधर से लगे चाहे इधर से लगे चाहे इधर से लगे, चारों तरफ से लगने वाले द्रव का दाब क्या होगा, समान होगा। तो इन्होंने ये बताया दूसरे नियम में कि द्रव के भीतर किसी बिंदु पर सभी दिशाओं में दाब का मान बराबर होता है। क्षैतिज दिशा में जो मान होता है चारों दिशाओं में से जो क्षैतिज दिशा पर लगने वाला दाब होता है वो समान होता है। हालांकि ऊपर से नीचे जाने पर दाब का मान क्या होता है, बढ़ता है। ऊपर से नीचे जाने पर दाब का मान बढ़ता है, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर दाब के मान में क्या होती है, कमी आती है। तो ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम था, द्रव के भीतर दाब स्वतंत्र तल से गहराई के समानुपाती होता है। जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा, और नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो दाब के मान में कमी आएगी। मतलब ऊपर से जितनी गहराई पे जाएंगे, अगर ये स्वतंत्र तल है, इस स्वतंत्र तल से जितनी गहराई पे आप जाओगे, जैसे जैसे आप गहराई पे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे एच का मान बढ़ता जाएगा, और अगर एच का मान बढ़ता जाएगा तो द्रव का जो दाब होगा वो भी बढ़ता जाएगा। द्रव के भीतर दाब स्वतंत्र तल से गहराई के समानुपाती होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि ये हमने पहले पढ़ रखा है। अब चौथा, किसी बिंदु पर दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है। द्रव का घनत्व जितना ज्यादा होगा दाब उतना ज्यादा होगा। अगर हम जल लेते हैं तो जल का घनत्व हम जानते हैं कितना होता है। तो द्रव, अगर हम जल लेते हैं और जल की अपेक्षा अगर हम पारा लें या फिर ग्लिसरीन लें, तो प्रत्येक द्रव के अंदर समान गहराई पर, अगर हम क्षैतिज तल में किसी समान गहराई पर बात करेंगे, तो अलग अलग द्रवों में समान गहराई पर उन द्रवों द्वारा डाला गया दाब क्या होगा, ज्यादा होगा। जहां पे घनत्व कम होगा वहां पर दाब कम होगा, जहां पे घनत्व ज्यादा होगा वहां पे दाब ज्यादा होगा। कहने का मतलब जो तेल होता है वो हल्का होता है, वो द्रव के ऊपर तैरता है। अगर किसी समान आयतन के बर्तन में हम तेल लेते हैं और दूसरे बर्तन में हम अगर जल लेते हैं, तो समान गहराई पर तेल के अंदर उस बिंदु पर दाब कम होगा, जबकि जल का उस बिंदु पर दाब क्या होगा, समान गहराई पर ज्यादा होगा, क्योंकि द्रव का जो घनत्व है यहाँ पे जल का घनत्व ज्यादा है। तो किसी बिंदु पर दाब द्रव के घनत्व के समानुपाती होता है,
ये चौथा नियम था। तो इस प्रकार ये द्रव के दाब के नियम थे। अब पास्कल के दाब के नियम क्या थे वो हम देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं पास्कल के दाब के नियम। तो पास्कल ने दाब के दो नियम दिए थे। पहला नियम, गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए। मतलब अगर हम कहें कि ये जी जो होता है वो प्रेशर पर इफेक्ट नहीं करता है, गुरुत्वीय प्रभाव अगर नगण्य रहे तो द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। गुरुत्वीय प्रभाव जी को नगण्य मान लिया जाए तो द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चाहे कहीं भी बात कर लें, द्रव का दाब क्या होता है, समान होता है। तो गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। अब यहाँ इनका कहने का मतलब ये था कि जी की वैल्यू अगर बिल्कुल जीरो हो जाए, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ पर कोई गुरुत्वीय प्रभाव अगर यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया जाए तो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो द्रव का दाब क्या होता है, समान होता है, ऐसा पास्कल ने बताया। दूसरा, किसी बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। ऐसा जो नियम ये जो दिया था, इस नियम के आधार पर बहुत सारे हाइड्रोलिक लिफ्ट बनी हुई, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं उनके बारे में आपने सुना होगा। तो उसमें अगर किसी द्रव पर हम दाब डालते हैं, अगर द्रव पूरी तरीके से पैक है तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है, हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक के अंदर ऑयल जो होता है उसे भर दिया जाता है। अब उसके ऊपर अगर प्रेशर डाला जाता है ब्रेक से तो वहां पर जो ब्रेक पर जो दाब होता है सभी जो ग्रिप्स होती है उनके ऊपर बराबर लगता है ताकि वो बराबर पहिए व पकड़ बना सके, कोई एक तरफ से दाब ज्यादा नहीं लगता है। तो उन्होंने द्वितीय नियम का जो प्रभाव जो था वो उसका मतलब हाइड्रोलिक ब्रेक हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर सभी के अंदर किया जाता है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं द्रव के दाब के नियम के आधार पर, इनको हमें सिद्ध करना पड़ेगा। तो द्रव का जो पास्कल का दाब नियम था वो ये था कि द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब जो होता है वो समान होता है, चाहे ऊपर से लगे चाहे नीचे से लगे चाहे बगल से लगे। तो ऐसी ही एक व्यवस्था हमने की है, हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले रखा है, उसके अंदर हमने एक द्रव भर रखा है और इसके अंदर एक वस्तु हमने इस प्रकार से भर रखी है कि उस पर उसकी तीन फलके हैं और तीनों दिशाओं से जो दाब है वो अलग अलग बल जो है वो अलग अलग लग रहा है, द्रव का जो बल है वो अलग अलग लग रहा है। इधर से बल नीचे से ऊपर की ओर एक बल लग रहा है एफ ए, इधर से बल लग रहा है एफ बी जो इस दिशा में है, और तीसरा इधर से बल लग रहा है एफ सी। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से कहीं से भी बल पड़ रहा हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल पड़ रहा होगा वो क्या होगा, आपस में सभी जगह बराबर होगा। अब अगर इसके संगत ये जो आपको क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है जिस पर एफ ए लग रहा है, ये बी सी डी ई जो क्षेत्रफल है इसको हम मान लें कि ये बी सी डी ई, बी सी डी ई को अगर हम मान लें कि इसका क्षेत्रफल ए है, ए ए मान लें, और आप ये ए सी डी एफ, ए सी डी एफ को हम मान लें कि इस पर जो क्षेत्रफल है वो ए बी है, और यहाँ पर ए बी ई एफ जो है, ए बी ई एफ जो है इसका क्षेत्रफल ए सी मान लें, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो बल लग रहे हैं इस बल के संगत जो क्षेत्रफल है इनका अनुपात बराबर क्या होगा, सभी जगह बराबर होगा। तो हमने माना एक त्रिभुज की रचना हमने की, इसके अंदर हमने दो कोण ले लिए। अब यहां से अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर ये थीटा हमने ले लिया, तो लंब बटे कर्ण, लंब आपका हो गया एफ सी और आपका जो कर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा एफ बी, ये एफ बी हो गया। तो यहां से आपका हो जाएगा एफ सी बराबर एफ बी साइन थीटा, ये आपकी पहली इक्वेशन। और यहीं से अगर हम कोस थीटा फाइंड आउट करें तो कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो जाएगा आपका एफ ए हो जाएगा और कर्ण जो हो जाएगा वो आपका एफ बी हो जाएगा। तो यहां से अगर हम एफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपका हो जाएगा एफ ए बराबर एफ बी कोस थीटा, ये समीकरण नंबर दो हो गया। ये हमने त्रिकोणमिति से जो यहाँ पे साइन थीटा थीटा के जो फॉर्म होते हैं साइन थीटा कोस थीटा फॉर्मूला लगा के हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी प्रकार अगर ज्यामिति की बात करें, ज्यामिति के अंदर ये वाला क्षेत्रफल ए है, ये वाला क्षेत्रफल ए बी है और ये वाला क्षेत्रफल एफ ए सी है, तो अगर इनका भी रेशियो हम निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ए सी बराबर आपका आ जाएगा ए बी साइन थीटा और आपका ए ए बराबर आ जाएगा ए बी
कोस थीटा, ठीक वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था बल के लिए। अब हमने क्या किया कि जो समीकरण एक है उसके अंदर समीकरण तीन से और समीकरण जो दो है उसके अंदर समीकरण चार से भाग देते हैं। तो हम देखते हैं एफ सी अपॉन ए सी हो जाएगा, ये एफ सी अपॉन ए सी, समीकरण एक में तीन से भाग दिया तो एफ सी अपॉन ए सी और एफ बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा, एफ बी साइन थीटा अपॉन हो जाएगा ए बी साइन थीटा बराबर। यहां पर आपका समीकरण जो दो है उसके अंदर समीकरण चार से भाग दे दीजिए, समीकरण दो में समीकरण चार से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा इधर ही मैं कर देता हूं, समीकरण दो में समीकरण चार से, तो ये हो गया आपका एफ ए अपॉन ए ए, एफ ए अपॉन ए ए और एफ बी कोस थीटा अपॉन ए बी कोस थीटा, एफ बी कोस थीटा अपॉन ए बी कोस थीटा। अब यहां पे देखने वाली क्या बात है, यहां पे देखने वाली बात है कि साइन थीटा से साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, तो आपका यहां पे बचेगा एफ सी अपॉन ए सी बराबर एफ बी अपॉन ए बी और इधर आपका बचेगा एफ ए अपॉन ए ए बराबर एफ बी अपॉन ए बी। अब यहां पे देखने वाली बात है कि एफ सी अपॉन ए सी भी एफ बी अपॉन ए बी के बराबर है और एफ ए अपॉन ए ए भी एफ बी अपॉन ए बी के बराबर है, तो इनको हम कह सकते हैं कि ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये हमने तीनों के लिए बराबर का निशान लगा दिया। ये जो चीज होती है ये आपका हो जाएगा पी सी, क्योंकि एफ अपॉन ए बराबर प्रेशर होता है, ये आपका हो जाएगा पी बी और ये हो जाएगा आपका पी ए। कहने का मतलब ये कि चाहे किधर से भी बल लग रहा हो, प्रत्येक दिशा से द्रव के भीतर लगने वाला दाब क्या होता है, आपस में बराबर होता है, और यही जो चीज होती है यही पास्कल ने अपने यहाँ पे नियम में कहा था। तो इस वीडियो के अंदर आपने देखा द्रव के दाब के नियम क्या होते हैं, पास्कल के दाब के नियम क्या थे, और पास्कल के दाब के नियम को हमने यहाँ पे सिद्ध करके देखा कि जो दाब होता है वो सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद।